Hello everyone, this class is presented to you by Didymi IAS. In this class, we will be covering Chapter 3 of Class 12 NCERT Modern India by Bipin Chandra. So the index of the book, there are 15 chapters and we have already covered Chapter 1, The Decline of the Mughal Empire. Chapter 2 also has been covered, Indian States and Societies in the 18th Century. And today we will be starting with Chapter 3, The Beginnings of European Settlements. तो बहुत ज़्यादा यूरोपियन पावर्स जो है वो इंडिया में आई. पोर्चुगीज केम, फ्रेंच केम, डच केम एंड ब्रिटिश केम टू इंडिया. सो दे केम हियर एज ट्रेडिंग कंपनीज, बट दे ऑल्सो दे इन्वॉल्व इन यू नो सेटलिंग डाउन हियर इन इंडिया. दे ऑल्सो स्टार्टेड रूलिंग अ लिटिल बिट. सो ऑल दैट वी विल कवर इन दिस चैप्टर. We will also cover how these powers, they declined and, you know, they also fought various battles. So all that regarding, you know, Portuguese ka, we will cover everything, how they came and what is their significance, how they declined. So all that will be covered of Portuguese, Dutch, British and French. So first of all, today we will be starting off with the Portuguese. So before that, I'll be discussing a little bit of history with you. So in the previous time, तो जो इंडिया और यूरोप के बीच में जो ट्रेड चलती आ रही है वो सिर्फ मॉडर्न इंडिया मॉडर्न पीरियड जो है सॉरी मॉडर्न पीरियड से वो ट्रेड स्टार्ट नहीं हुई. ये जो ट्रेड है यूरोप और इंडिया के बीच में वो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, राइट. तो उस टाइम पे जब ये ट्रेड होती थी इंडिया और यूरोप के बीच में, सो दिस यूज्ड टू बी द ट्रेड रूट. ये ट्रेड रूट था जिसके थ्रू इंडिया और यूरोप ट्रेड करते थे. बट फिर 15th सेंचुरी में क्या होता है कि ये जो एरिया है, दिस एरिया, दिस इज मॉडर्न डे टर्की, उस टाइम पे वी कॉल्ड इट कॉन्स्टेंटिनोपोल. सो दिस एरिया इट गेट्स ऑक्यूपाइड और इट गेट्स, यू नो, दिस एरिया नाउ इज बीइंग रूल्ड बाय द ऑटोमन एम्पायर. ठीक है, जब ऑटोमन एम्पायर इस एरिया को रूल करना स्टार्ट कर देता है तो ये जो इंडिया और यूरोप का ट्रेड रूट है इट गेट्स, यू नो, हैम्पर्ड. अब वो ये ट्रेड रूट नहीं यूज कर सकते क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर है वो कुछ, यू नो, काफ़ी कुछ पाबंदियाँ लगा देते हैं. बाकी यूरोप जो है उनको इनडायरेक्टली ट्रेड करना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पे रूल कर रहे हैं, तो इनके थ्रू ट्रेड करना पड़ेगा. तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स विल बी डिवाइडेड, बाकी और काफ़ी ज़्यादा, यू नो, मिडल मैन विल बी इन्वॉल्व इन ऑल दैट. तो यूरोप को अब पता है कि इंडिया के साथ जो उनकी ट्रेड है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है, तो वो जो है वो ट्रेड डायरेक्टली करना चाहते हैं इंडिया के साथ. तो अब इस ट्रेड रूट के थ्रू तो वो कर नहीं सकते. तो होता ये है कि इस पीरियड, इस टाइम पीरियड में जो यूरोपियंस हैं वो एक नया ट्रेड रूट ढूंढना शुरू कर देते हैं इंडिया के साथ ट्रेड करने को. और इसी टाइम पे यूरोप में चल क्या रहा है, रेनेसां पीरियड. ठीक है, रेनेसां पीरियड क्या है, बेसिकली चर्च की अथॉरिटी जो पहले बहुत ही, यू नो, स्ट्रिक्ट थी यूरोप में, अब वो जो अथॉरिटी है वो ख़त्म हो जाती है और जो एक काइंड ऑफ नया पीरियड शुरू होता है, रेनेसां पीरियड शुरू होता है, साइंटिफिक डिस्कवरीज होनी शुरू हो जाती हैं. ठीक है, तो उसी बीच जो यूरोपियंस हैं वो एक नया ट्रेड रूट ढूंढते हैं इंडिया को. तो सबसे पहले वास्को डी गामा, वो कहाँ गए थे, स्पेन के, वो इंडिया ढूंढने निकलते हैं, बट ही इंस्टेड डिस्कवर्स अमेरिका. उसके बाद जो वास्को डी गामा है, और वास्को डी गामा से पहले भी एक पर्सन थे, हिज नेम इज बार्थोलोम्यू डायज. ठीक है, तो बार्थोलोम्यू डायज भी इंडिया का जो ट्रेड रूट है वो ढूंढने निकलते हैं, बट वो यहाँ, फ्रॉम हियर ही कम्स एंड ही रीचेज टिल द केप ऑफ गुड होप. यहाँ तक वो पहुंच जाते हैं बट यहाँ से आगे वो नहीं जा पाते. तो इनके बाद, बार्थोलोम्यू डायस के बाद कौन आते हैं, वास्को डी गामा. वो कहाँ के थे, वो पोर्चुगीज थे, तो वो भी इसी रास्ते से आते हैं. ही रीचेस टिल द केप ऑफ गुड होप एंड देन थ्रू दिस वे ही रीचेस टू
कैलिकट, तो इंडिया में वो कहाँ पहुंचते हैं, कैलिकट में पहुंचते हैं। तो इसी तरह एक नया जो ट्रेड रूट है इंडिया और यूरोप के लिए, एक नया ट्रेड रूट मिल जाता है फाइनली, और अब जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पोर्चुगीज आएंगे सबसे पहले, वो ट्रेड करेंगे, ठीक है, और जब वो ट्रेड करते हैं तो बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं वो। वास्को डी गामा पहले आते हैं, जब पहली बार जैसे मैंने बताया वो आते हैं, कैलिकट पहुंचते हैं, तो जब वो वापस जाते हैं तो कहा जाता है कि जो भी वो सामान लेके जाते हैं वो उसके ऊपर 60%, 60% प्रॉफिट जो है वो कमाते हैं वापस यूरोप जाके, तो वो बाद में फिर से आते हैं। तो ये सारा कुछ देख के जो बाकी जो यूरोपियन मर्चेंट्स हैं, ऑब्वियसली दे ऑल्सो गेट टेम्प्टेड, दे ऑल्सो वॉन्ट टू ट्रेड डायरेक्टली विद इंडिया। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद और भी जो है यूरोपियन पावर्स आती हैं, फिर डच आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, और ब्रिटिश तो फिर हमें पता ही है कि दे गेट सेटल्ड हियर, और वो हमें कितने साल बाद में फिर रूल करते हैं हमारे ऊपर। उनके बाद फ्रेंच भी आते हैं, तो इसीलिए एक नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाता है इसके बाद, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। सो द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ अ न्यू सी रूट टू इंडिया। सो द फर्स्ट स्टेप्स वर टेकन बाय पोर्चुगल एंड स्पेन, हुज सीमेन स्पॉन्सर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय देयर गवर्नमेंट्स बिगेन अ ग्रेट एरा ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। तो पोर्चुगल और स्पेन जो है वो सबसे पहले ये स्टेप्स उठाते हैं, और वो फाइनली क्या कहते हैं, जो कोलंबस है स्पेन के, ही कम्स बट ही डिस्कवर्स अमेरिका इंस्टेड। निकलते वो इंडिया ढूंढने हैं, लेकिन वो अमेरिका ढूंढ लेते हैं। फिर 1498 में, प्लीज ट्राई टू लर्न दीज डेट्स, बहुत बार जो है जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, अगर कोई स्टेटमेंट होती है तो स्टेटमेंट के जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको पता होते हैं, लेकिन उसमें जो ईयर होता है उसमें बहुत बार, क्योंकि बच्चे ईयर याद नहीं रखते, तो उस वजह से जो स्टेटमेंट होती है, चाहे उनको फैक्ट्स क्लियर होते हैं, फिर भी वो जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ईयर अच्छे से याद नहीं होता। तो जो भी इम्पॉर्टेंट ईयर्स है ना वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1498 में जो है वास्को डी गामा वो एक नया ट्रेड रूट डिस्कवर करते हैं, कहाँ से, वाया द केप ऑफ गुड होप, और कहाँ पहुँचते हैं, कैलिकट। दीज एंड अदर नेविगेशनल डिस्कवरीज ओपन्ड अ न्यू चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस इज कोलंबस, और अब पढ़ते हैं वास्को डी गामा के बारे में। तो वास्को डी गामा जो है वो कैलिकट पहुंचते हैं कौन से ईयर में, 1498 में, ठीक है। कैलिकट पहुंचते हैं और उस टाइम पे कैलिकट के रूलर कौन है, जेमोरिन, और उनको समुथीरी भी बोला जाता है। तो जेमोरिन जो है कैलिकट के रूलर, वो जो है वो वास्को डिगामा को बहुत अच्छे से, प्यार से उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि उनके मन में उस टाइम पे कोई भी एप्रीहेंशंस नहीं है, उनके मन में कोई भी शक नहीं है कि ये लोग कुछ और करने आए हैं। उनको लगता है कि ठीक है, ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग करने आए हैं, सो इट्स ओके विद मी। तो वो है बहुत ही फ्रेंडली रिसेप्शन, बहुत ही अच्छे से जो है जेमोरिन वो वास्को डिगामा को वेलकम करते हैं। लेकिन जो बाकी मर्चेंट्स हैं, जैसे कि अरब ट्रेडर जो हैं, क्योंकि उनकी तो जो इंडिया के साथ है, अरब ट्रेडर्स की ट्रेड काफी ज्यादा उस टाइम पे प्रिवेलेंट थी, इंडिया और अरब कंट्रीज के बीच में ट्रेड वाज वाइडली प्रिवेलेंट। तो जो अरब ट्रेडर्स हैं उनके मन में जरूर उस टाइम पे एक शक पैदा हो जाता है कि अगर ये लोग भी ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो वो इस चीज से थोड़ा उनको दिक्कत होती है कि पोर्चुगीज आगे हैं और जो कैलिकट के रूलर हैं वो उनको वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। तो कब आते हैं वास्को डी गामा, 1498 में, कहाँ लैंड करते हैं, कैलिकट में, और वहां के रूलर कौन है, जेमोरिन या फिर समुथीरी। नाउ दिस इज वास्को डी गामा। नाउ वास्को डी गामा ही स्टेज इन इंडिया फॉर 3 months, तो 3 महीने के लिए वो रहते हैं यहाँ पे। एंड वेन ही रिटर्न्ड टू पोर्चुगल ही कैरिड बैक विद हिम अ रिच कार्गो एंड सोल्ड द मर्चेंडाइज इन द यूरोपियन मार्केट एट अ ह्यूज प्रॉफिट। तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं वापस यूरोप जाके। तो इसे देख के जो बाकी यूरोपियन मर्चेंट्स हैं वो भी टेम्प्ट हो जाते हैं, उनके मन में भी इच्छा आ जाती है कि वो भी इंडिया के साथ डायरेक्टली ट्रेड करेंगे।
अब वास्को डिगामा फिर से इंडिया आते हैं कब, 1501 में। पहले कब आए थे, 1498 में, अब दोबारा आते हैं 1501 में। और इस बार वो एक फैक्ट्री भी एस्टैब्लिश कर देते हैं, कहाँ पे, कैननोर में। कैननोर कहाँ पे है, साउथ में। अभी इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल शो यू इट ऑन द मैप। तो वो जब दूसरी बार आते हैं वास्को डिगामा 1501 में, तो इस बार जब वो आते हैं तो वो एक फैक्ट्री बना देते हैं, कहाँ पे, कैननोर में। तो ऐसे ही चलते चलते तीन जगह, कैलिकट, कैननोर और कोचिन, तीनों ये जगह साउथ में है। आई विल शो यू इट ऑन द मैप। तो चलते चलते ये जो तीन जगह है ये इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बन जाते हैं पोर्चुगीज के। बहुत बार क्वेश्चन आता है, विच ऑफ दीज आर द ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ पोर्चुगीज, विच ऑफ दीज वर द ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं जहाँ जहाँ पे पोर्चुगीज ने अपनी फैक्ट्रीज लगाई, उन्होंने अपने बेस बनाए, ठीक है, जो उनके ट्रेडिंग सेंटर्स थे, तो ये जो भी जगह है आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कैलिकट, कैननोर और कोचिन ये जो है पोर्चुगीज के इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बन जाते हैं। ग्रेजुअली अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द फैक्ट्रीज एंड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, द पोर्चुगीज गॉट परमिशन टू फोर्टिफाई दीज सेंटर्स। तो फिर ऑब्वियसली अगर उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई है तो अब ये भी डर है कि अगर अटैक हो गया तो भी कुछ सॉल्यूशन चाहिए। तो धीरे धीरे वो ये परमिशन भी ले लेते हैं दैट वी वुड लाइक टू फोर्टिफाई आर फैक्ट्रीज इन ऑर्डर टू protect our factories. So this is the map, and here is Kannur, here is Calicut, एंड हियर इज कोचिन। तो ये जो है ये तीन जगह है इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द पोर्चुगीज। अब आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो अब जब वास्को डिगामा आए, ठीक है, उन्होंने कैननोर में ट्रेडिंग फैक्ट्री बना ली, उसके अलावा कोचिन, कैलिकट, वहाँ पे भी जो है वो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बन जाते हैं पोर्चुगीज के। तो अब जो पोर्चुगल गवर्नमेंट है, वहाँ के जो किंग है, बैक इन द कंट्री पोर्चुगल के जो किंग है, उनको लगता है कि ये जो ऐसी ट्रेडिंग चल रही है पोर्चुगीज के बीच में, इंडिया के बीच में, इसको थोड़ा अच्छे से एक वो थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल बना के रखना पड़ेगा, थोड़ी एक हम एडमिनिस्ट्रेशन बना देते हैं यहाँ पे इंडिया में। तो वो क्या करते हैं, एक गवर्नर की पोस्ट बना देते हैं इंडिया में। तो पहले गवर्नर कौन है, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। तो जो पोर्चुगल के किंग हैं वो कहते हैं कि इंडिया में हम एक गवर्नर, एक पोर्चुगल गवर्नर को पोस्ट कर देंगे ताकि वो सारा जो है ध्यान रख पाए, सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर पाए। जैसे कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो बाकी ट्रेडर्स थे जैसे कि अरब ट्रेडर्स, उनको तो दिक्कत होती है कि भाई पोर्चुगीज क्यों, अब आके वो लोग क्यों ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो कुछ कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। उसके अलावा अब ये जो तीन जगह थी यहाँ पे तो ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए, अब पोर्चुगीज हैं इसको और भी एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसके बाद वो गोवा तक पहुँच जाएंगे, गुजरात तक पहुँच जाएंगे। तो ये जो एक्सपेंशन भी करनी है ये एक कंट्रोल्ड वे में करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो पोर्चुगल के किंग हैं वो यहाँ पे एक गवर्नर की पोस्ट बना देते हैं। तो बेसिकली वो आते तो एज ट्रेडर्स हैं, बट वो अब थोड़ा थोड़ा रूलिंग की तरफ जा रहे हैं, फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग, वो थोड़ा रूल करने का देख रहे हैं, ठीक है। तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, इन 1505 किंग ऑफ पोर्चुगल अपॉइंटेड अ गवर्नर इन इंडिया फॉर अ 3 ईयर टर्म and equipped the incumbent with the sufficient force to protect the Portuguese interest. Francisco de Almeida, the newly appointed governor, was asked to consolidate the position of Portuguese in India and destroy the Muslim trade. तो उनको बोलना जाता है कि पोर्चुगीज का इंटरेस्ट जो है उनको स्ट्रांग बनाना है, उनको कंसोलिडेट करना है, और बाकी जो भी ट्रेडर्स हैं यू जस्ट हैव टू डिस्ट्रॉय देम। तो ये जो है गवर्नर का काम होएगा। एनकरेज्ड बाय द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस हुज लुक्रेटिव कॉमर्स वाज नाउ एट रिस्क ड्यू टू द पोर्चुगीज इंटरफेरेंस, इजिप्शियंस रेज्ड अ फ्लीट इन द रेड सी टू स्टॉप द एडवांस ऑफ द पोर्चुगीज। तो अब जो इजिप्शियंस हैं उनका ट्रेड है इंडिया के साथ, तो अब वो है उनको दिख जाता है कि अब तो इन्होंने गवर्नर की पोस्ट भी बना दी, अब तो कुछ करना पड़ेगा इनको रोकने के लिए। तो होता क्या है, एक बैटल ऑफ ड्यू होता है।
बैटल ऑफ दियो होता है 1507 के, किसके बीच में? एक साइड पोर्चुगीज है, दूसरी साइड इजिप्शियंस है और गुजरात नेवीज है। किसको, किस चीज के लिए? ताकि जो पोर्चुगल है वो यहाँ पे अपनी पोजीशन स्ट्रांग ना बना पाए, वो ज्यादा बड़े ट्रेडर्स ना बन पाए, हमसे ज्यादा वो ट्रेडिंग वो ना कर पाए, हमसे ज्यादा प्रॉफिट्स ना कहीं वो बना ले। तो उनको रोकने के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक बैटल होती है जो कि है बैटल ऑफ दियू। एक साइड पे है इजिप्शियन और गुजराती नेवीज और दूसरी साइड पे कौन है? पोर्चुगीज। और इसी बीच क्या होता है, जो फ्रांसिस्को डी एल्मीडा के सन है, ही गेट्स किल्ड। नेक्स्ट ईयर एल्मीडा एवेंज्ड हिज डेथ बाय टोटली क्रशिंग द टू नेवीज। उसके बाद 2 साल बाद क्या है, 1 साल बाद जो एल्मीडा है वो इजिप्शियन और गुजराती नेवीज से बदला ले लेते हैं। एल्मीडाज विजन वॉज टू मेक द पोर्चुगीज द मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन। हिज पॉलिसी वॉज नोन एज द ब्लू वाटर पॉलिसी। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है ब्लू वाटर वाटर पॉलिसी जो है वो किसकी थी, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा जो कि पोर्चुगीज गवर्नर थे। तो हमने क्या देखा फ्रांसिस्को डी एल्मीडा के बारे में, पहले गवर्नर थे, उनको यहाँ अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। उनकी उनकी एक जो बैटल ऑफ व्यू है वो उन्हीं के टाइम पे होती है, किसके साथ? इजिप्शियन और गुजराती नेवीज के साथ। उसके अलावा इनकी पॉलिसी कौन सी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है कि जो इंडियन ओशन है उसके उनको मास्टर बनना था। लैंड पे फैक्ट्रीज वगैरह बनाने में उनका ज्यादा ध्यान नहीं था। ही वॉन्टेड टू यू नो मेक हिज पोजिशन स्ट्रांग इन द इंडियन ओशन। सी पे उनकी जो पोजिशन है उसको वो ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते थे रादर देन बिल्डिंग फैक्ट्रीज ऑन द लैंड। सो ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। नाउ नेक्स्ट गवर्नर इज अल्फोंसो डी एल्बुकर्क्यू। अब बीच में और भी गवर्नर्स आते हैं बट हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले ही पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट इज फ्रांसिस्को डी एल्बुकर्क्यू। अब इनको जो है ये रियल फाउंडर बोला जाता है इनको। दो पहले तो एल्मीडा थे गवर्नर, लेकिन एल्बुकर्क्यू को रियल फाउंडर बोला जाता है क्योंकि ये कुछ ऐसी पॉलिसीज लाते हैं जिससे जो पोर्चुगीज के इंटरेस्ट है वो और ज्यादा कंसोलिडेट हो जाते हैं यहाँ पे। तो इनके क्या थी इनकी पॉलिसीज? एक तो ये बहुत इंडियन ओशन में काफी ज्यादा बेसिस बना देते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, एक अपना परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कार्तेज सिस्टम भी बोलते हैं। तो याद रखना ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा की है और ये जो परमिट सिस्टम है जिसको हम कार्तेज सिस्टम भी बोलते हैं वो किनका है? अल्फोंसो डी एल्बुकर्क्यू, ठीक है। तो अब ये है क्या, इसमें ये होता है कि वो एक परमिट इशू कर देते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर पोर्चुगीज के अलावा किसी और की शिप अगर इंडियन ओशन में आएगी तो उनको उनको क्या है, किसकी परमिट किससे लेना पड़ेगा? पोर्चुगीज से। अगर वो पोर्चुगीज से परमिट नहीं लेंगे तो वो वहाँ पे नहीं आ सकते, और अगर वो आ गए पोर्चुगीज से परमिट लिए बिना तो उनको वहीं पे उड़ा दिया जाता था, ख़त्म कर दिया जाता था। तो बेसिकली वो जो वहाँ पे जो सी है, ठीक है, वहाँ पे पोर्चुगीज ने अपना इतना कंट्रोल बना लिया था कि उनके अलावा अगर वहाँ पे कोई भी आएगा तो सिर्फ पोर्चुगीज की परमिशन से ही आएगा, और अगर उनकी परमिशन के बिना वहाँ कोई आया तो ही वॉज फिनिश्ड बाय द पोर्चुगीज। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसीज थी एल्बुकर्क्यू की जिसकी वजह से उनको रियल फाउंडर बोला जाता है ऑफ द पोर्चुगीज पावर इन द ईस्ट। दिस इज अल्फोंसो डी एल्बुकर्क्यू। नाउ एल्बुकर्क्यू एक्वायर्ड गोवा, ठीक है। वो गोवा एक्वायर करते हैं, किनसे एक्वायर करते हैं? फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। कब एक्वायर करते हैं? 1510 में, ठीक है। तो जो गोवा है वो कब एक्वायर करते हैं पोर्चुगीज? अभी तक उनके कौन कौन से सेंटर्स थे? कैलिकट, कैनरोर एंड कोचिन। अब वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं? थोड़ा ऊपर आ गए हैं गोवा की तरफ। गोवा वो एक्वायर करते हैं 1510 में, किससे एक्वायर करते हैं? सुल्तान ऑफ बीजापुर में। अब और इसके अलावा इनकी पॉलिसीज क्या होती हैं? ये सती अबॉलिश करते हैं। उसके अलावा जो भी पोर्चुगीज मैन यहाँ पे आते हैं ये उनको एनकरेज करते हैं कि आप लोकल वाइव्स रखो, ठीक है। आप जो भी शादी है यहाँ की जो लोकल विमेन है उनके साथ आप शादी करो, ऑब्वियसली ताकि जो पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस है और यहाँ पे बढ़ जाए।
उसके अलावा नए रोड्स, इरिगेशन वर्क एंड न्यू क्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं पोर्चुगीज यहाँ पे, जैसे कि टबैकू हो गया, कैशनट हो गया, इसके अलावा पटेटोज, टमेटोज, रेड चिलीज, ये जो सारे क्रॉप्स हैं पोर्चुगीज ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। उसके अलावा बेटर प्लांटेशन वराइटीज ऑफ कोकोनट एंड ऑल्सो दे सेटल्ड एज आर्टिसंस, मास्टर क्राफ्ट्समैन बिसाइड्स बीइंग ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स तो वो थे ही, उसके अलावा वो एज आर्टिसंस भी यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, मास्टर क्राफ्ट्समैन भी, जो कि एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था पोर्चुगीज का, एक आर्ट और कल्चर में काफ़ी ज़्यादा ये जो है यहाँ पे प्रमोट करते हैं आर्ट एंड कल्चर को, तो ये एक सिग्निफिकेंस था पोर्चुगीज का। नेक्स्ट गवर्नर इज नीनो डा कुन्हा। नाउ नीनो डा कुन्हा एज्यूम्ड ऑफिस ऑफ द गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज इंटरेस्ट इन इंडिया इन नवंबर 1529 एंड ऑलमोस्ट 1 ईयर लेटर शिफ्टेड द हेड क्वार्टर्स ऑफ द पोर्चुगीज गवर्नमेंट इन इंडिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा। तो गोवा एक्वायर किन्होंने किया था? एल्ब्यूगर क्यू ने, ठीक है। अब उस गोवा को हेडक्वार्टर कौन बना देते हैं? नीनो डा कुन्हा। पहले पोर्चुगीज का हेडक्वार्टर कहाँ था? कोचिन। नीनो डा कुन्हा उसको चेंज करके क्या कर देते हैं? गोवा। अब इनके टाइम पे क्या होता है कि जो बहादुर शाह थे वो गुजरात के रूलर थे, उनका मुगल एम्परर हुमायूं के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है और उस टाइम पे जो बहादुर शाह है वो पोर्चुगीज की हेल्प लेते हैं और बदले में वो उनको कौन क्या देते हैं? आइलैंड ऑफ बसीन, और उनको कहती है कि आई विल ऑल्सो गिव यू बेस इन दीव, ठीक है। तो ऐसे हैं जो पोर्चुगीज वो बहादुर शाह की हेल्प करते हैं अगेंस्ट द मुगल एम्परर हुमायूं। पर उसके बाद जब बहादुर शाह और हुमायूं के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो ठीक हो जाते हैं, तो बहादुर शाह और पोर्चुगीज के जो रिलेशनशिप्स हैं वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। पर उसके बाद जो पोर्चुगीज है वो कहते हैं कि नो नो, वी शुड स्टार्ट नेगोसिएशंस। तो नेगोसिएशन करने के लिए वो जो गुजरात के रूलर हैं उनको वो बुलाते हैं अपनी शिप पे, लेकिन बुलाते वो नेगोसिएशन करने के लिए हैं, बट दे किल द गुजरात रूलर, वो उसको मार देते हैं। तो इसके बाद इस वजह से जो बाकी रूलर्स के साथ पोर्चुगीज की काफ़ी ज़्यादा खिटपिट शुरू हो जाती है, जो कि एक डिक्लाइन का रीज़न भी बोला जाता है कि इनकी जो एक्ट्स ऑफ वॉयलेंस थी या फिर इनकी जो ये जो ऐसी चीजें थी, ये जो धोखा देते थे, बुलाते नेगोसिएशन के लिए थे और फिर मार देते थे, तो ऐसी चीजों की वजह से, इनकी एरोगेंस की वजह से, इनकी वायलेंस एक्ट की वजह से, वायलेंट एक्ट्स की वजह से, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बोला जाता है कि पोर्चुगीज जो है वो बहुत ज्यादा टाइम तक यहाँ पे एक अच्छे रूलर्स जैसे कि ब्रिटिश जैसे उन्होंने इतना टाइम तक रूल किया, तो वो एक जो बोला जाता है कि पोर्चुगीज इस चीज में काफी ज्यादा लैग करते थे। आगे हम पढ़ेंगे कि डिक्लाइन के रीजंस क्या थे, दिस वॉज वन ऑफ देम। नाउ डा कुन्हा ऑल्सो अटेम्प्टेड टू इंक्रीज पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल। अब आप देख रहे हो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? साउथ से, कोचिन कैनन और कैलिकट वहाँ थे, फिर जो दूसरे गवर्नर आते हैं वो थोड़ा गोवा तक लेके जाते हैं उसको। अब ये जो नेक्स्ट गवर्नर है ये किधर की तरफ जाते हैं? बंगाल की तरफ, ईस्ट की तरफ। इनको लगता है कि क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, साउथ से शुरू किया था, थोड़ा वेस्ट की तरफ जाते हैं ऊपर, और अब ये ईस्ट की तरफ थोड़ा जो पोर्चुगीज की जो सेटलमेंट है उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो ये जो डा कुन्हा है, ही अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल बाय सेटलिंग मेनी पोर्चुगीज नेशनल्स देयर विद हुगली एज देयर हेडक्वार्टर्स। तो हुगली को वहां पे ये अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं, कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है। तो ये सारा हमने गवर्नर्स के बारे में पढ़ लिया, ये जो 3 इम्पोर्टेंट गवर्नर्स थे, कैसे उन्होंने एक्सपैंड किया, उनकी क्या क्या पॉलिसीज थी, वो सारा हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे फेवरेबल कंडीशंस फॉर पोर्चुगीज, ऐसी क्या कुछ कुछ तो फेवरेबल कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से उनको इजी हो गया था एक ऐसे यहाँ पे सेटल होना, रूल करना। गवर्नर्स उनके आए, उन्होंने गुजरात के रूलर को मार दिया, तो कुछ तो कंडीशंस होंगी जो कि उनके लिए फेवरेबल थी, जिसके लिए उनके लिए इजी हो गया था यहाँ पे आके रूल करना या फिर ट्रेड करना। तो सबसे पहली तो ये है कि
इंडिया में जो अगर नॉर्दर्न पार्ट में हम देखा देखा जाए तो कुछ ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे। जो ये जो सारा नॉर्दर्न पार्ट था वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया था और स्मॉल पावर्स जो थी वो नॉर्दर्न पार्ट को रूल कर रहे थे, तो एज सच कोई स्ट्रॉन्ग रूलर था नहीं जो पोर्चुगीज को रोक सकता। उसके अलावा अगर डेक्कन में देखा जाए, साउथ में देखा जाए, तो जो बामनी किंगडम था इट वाज आल्सो ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर किंगडम्स, तो वहां से भी कोई एज सच एक जो कंपटीशन वाली बात है वो थी नहीं। नन ऑफ द पावर्स हैड अ नेवी। जो ये जो पोर्चुगीज थे ना, ये इनकी जो नेवल पावर थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। वेयर एज अगर इंडिया के जो भी रूलर्स थे उनकी जो ये जो नेवल पावर थी वो बिल्कुल भी थी ही नहीं, तो जो नेवल स्ट्रेंथ थी यहाँ पे वो बहुत ज्यादा वीक थी। तो ये भी एक फेवरेबल कंडीशन थी पोर्चुगीज के लिए। उसके अलावा अगर हम फार ईस्ट की तरफ देखा जाए तो जो चाइनीज एम्परर थे उनकी तरफ से भी एज सच कोई भी कंपटीशन था नहीं, क्योंकि वो उनकी जो चाइनीज शिप्स थी उनकी जो लिमिट थी वो वहीं तक थी। इंडिया में आके उनको कुछ इतना ज्यादा इधर इंटरेस्ट नहीं था, तो वहां से भी कोई कंपटीशन पोर्चुगीज के लिए नहीं था। तो हमने अभी तक क्या देखा कि पोर्चुगीज के लिए बेसिकली ईजी क्यों था, फेवरेबल क्या था उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पावर थी ही नहीं। चाहे नॉर्थ की बात कर लो, ईस्ट की बात कर लो, या फिर हम साउथ की बात कर लें, तो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पावर यहाँ पे नहीं थी जो कि उनको एक प्रॉपर कॉम्पिटिशन दे पाती। एज रिगार्ड्स द अरब मर्चेंट्स एंड शिप ओनर्स हु अंटिल देन डोमिनेटेड द इंडियन ओशन ट्रेड, दे हैड नथिंग टू मैच द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिटी ऑफ द पोर्चुगीज। अब जो अरब मर्चेंट्स थे, ठीक है, चाहे वो डोमिनेट करते थे इस ट्रेड को पहले, बट वो पोर्चुगीज को कंपटीशन नहीं दे पाए, क्योंकि जो पोर्चुगीज की ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी जो यूनिटी थी उसको वो मैच नहीं कर सकते थे। मोर ओवर द पोर्चुगीज हैड कैनन्स प्लेस्ड ऑन देयर शिप्स। तो कैनन्स क्या होते हैं? तोप। तो ये जो पोर्चुगीज थे तो इनकी जो शिप्स होती थी इनके ऊपर वो कैनन्स उन्होंने प्लेस किए हुए थे, तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी किसी और के पास भी नहीं थी। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द फेवरेबल कंडीशंस दैट हेल्प्ड द पोर्चुगीज। नाउ वी विल स्टडी पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो ये ज्यादा बस थोड़ा दिमाग में रख लेना कि एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमने बोला गवर्नर्स थे यहाँ पे, तो क्या क्या था यहाँ पे? एक वाइस रॉय होते थे उनके, हु सर्व्ड फॉर 3 ईयर्स, और उनके साथ क्या एक सेक्रेटरी होते थे, या फिर उसके बाद जो सेक्रेटरी है इट वॉज रिप्लेस्ड बाय अ काउंसिल। उसके अलावा एक वेदौर दा फजेंडा होते थे जिनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? रेवेन्यूज की और कार्गोज की एंड डिस्पैच ऑफ फ्लीट्स। उसके अलावा कैप्टन होते थे जिनको कौन असिस्ट करता था? फैक्टर्स असिस्ट करते थे। हुज पावर वॉज इंक्रीज बाय द डिफिकल्टीज ऑफ कम्युनिकेशन एंड वॉज टू ऑफन यूज फॉर पर्सनल एंड्स। तो इसके अलावा ये जो तो ये बेसिकली पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन थी, एज सच इसमें कुछ है नहीं, बट थोड़ा सा ये याद रख लेना कि ये जो लोग थे इनकी दे एडमिनिस्टर्ड द पोर्चुगीज देयर ऑल देयर बिजनेस इन इंडिया, और ये इनके फंक्शंस थे। नेक्स्ट इज द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द पोर्चुगीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो पोर्चुगीज थे, ठीक है, वो ट्रेडर्स थे, रूल भी करना चाहते थे, लेकिन अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लोग क्रिश्चियनिटी को इतना ज्यादा प्रमोट करना चाहते थे कि जो मुस्लिम्स थे और हिंदूज थे वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और मुस्लिम्स और हिंदूज का बहुत ज्यादा इन्होंने काफी देवर टोटली अगेंस्ट इट। दे परसिक्यूटेड मेनी हिंदूज एंड मुस्लिम्स। यहाँ तक कि इन्होंने जो एम्परर थे, मुगल एम्परर थे, उनको भी क्रिश्चियनिटी में दे वॉन्टेड टू कन्वर्ट हिम। दे मेड देयर मूव्स टू कन्वर्ट द एम्परर इनटू क्रिश्चियनिटी, बट ऑब्वियसली दे फेल्ड। तो इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। उनके अंदर जील थी टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी एंड द विश टू परसिक्यूट ऑल मुस्लिम्स। तो ये बस चाहते थे कि एक फोर्सिबल कन्वर्जन जिसको कहते हैं ना, वैसी पॉलिसी थी इनकी कि सबको बस क्रिश्चियनिटी में प्रमोट कर दो, जो भी हिंदू है मुस्लिम है जस्ट फिनिश देम ऑल एंड जस्ट कन्वर्ट देम इनटू क्रिश्चियनिटी। तो ऐसी एक अजीब सी इनकी रिलीजियस पॉलिसी थी।
हिंदूज की तरफ स्टार्टिंग में देवर क्वाइट गुड क्वाइट टॉलरेंट विद देम, बट उसके बाद हिंदूज वर ऑल्सो परसिक्यूटेड. इन सेप्टेम्बर 1579 अकबर फॉरवर्डेड अ लेटर टू द अथॉरिटीज एट गोवा रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड टू लर्नर्ड प्रीस्ट. तो अब ये जो अकबर थे ही वॉन्टेड टू लर्न अबाउट वेरियस रिलीजन एंड ऑल, तो इसीलिए वो 1579 में जो गोवा में पोर्चुगीज की अथॉरिटी थी उनको लेटर भेजते हैं कि मेरे कोर्ट में अब दो लर्नेड प्रीस्ट को भेज दो. अब ये जो गोवा में अथॉरिटीज है पोर्चुगीज है वो तो बहुत यू नो रेडिली दे एक्सेप्ट द इनविटेशन, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास एक चांस आ गया है टू कन्वर्ट द एम्परर टू क्रिश्चियनिटी. तो कौन दो प्रीस्ट जो है वो जाते हैं, ये तो नाम आपको याद रखने हैं, रोडोल्फो एक्वा विवा एंड एंटोनियो मोंसेरेटे. तो पहली बार जब अकबर इनवाइट करते हैं प्रीस्ट को तो कौन दो जाते हैं, एक्वा विवा एंड मोंसेरेटे. एक्वा विवा एंड मोंसेरेटे वेंट बैक इन 1583 बिलेइंग द होप्स ऑफ पोर्चुगीज एंटरटेन्ड ऑफ अकबर्स कन्वर्जन टू द क्रिश्चियन फेथ. बट ऑब्वियसली उनकी ये जो होप्स है अकबर को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की वो फुलफिल नहीं हो पाती. अब अकबर जो है वो फिर से एक दूसरा मिशन बुलाते हैं, कब, 1590 में, बट वो भी इसी तरह ख़त्म हो जाता है इन 1592. अब एक थर्ड मिशन फिर से बुलाते हैं अकबर 1595 में. कहाँ पे बुलाते हैं, लाहौर में, एंड कंटिन्यूड एज अ सॉर्ट ऑफ परमानेंट इंस्टीट्यूशन देयर बाय एक्सटेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द सेक्युलर पॉलिटिक्स. तो अकबर, क्योंकि उनकी सेक्युलर पॉलिसी थी ही उनकी, ठीक है, तो ये जो एक मिशन उन्होंने बार बार बुलाए तो ये इसको एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन ही बना के वहाँ रख देते हैं. अब जो थर्ड मिशन होता है उसमें कौन कौन से प्रीस्ट जाते हैं, फादर्स जिरोम जेवियर एंड इमैनुअल पिन हीरो वर द लीडर्स ऑफ द मिशन एंड देयर लेटर्स फ्रॉम द कोर्ट बिकेम वाइडली नोन फॉर द इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइडेड ऑन द लेटर लेटर पार्ट ऑफ द अकबर्स रीन. तो ये लोग क्योंकि वहाँ पे एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बन जाता है तो उसके बाद इनकी जो लेटर्स हैं उससे हमें, उसके बाद जब वो लेटर्स डिस्कवर होती हैं तो इनकी लेटर्स की वजह से बेसिकली हमें अकबर का जो टाइम था उसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा बाद में हमें नॉलेज जो है वो मिली उनकी लेटर से. तो होता क्या है कि अकबर ने वहाँ पे अब एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बना दिया है, परमानेंटली कुछ जो है प्रीस्ट वहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुके हैं. बट अब अकबर के बाद जब जहांगीर बनते हैं एम्परर तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, उनकी जो पॉलिसी है वो टोटली ओपोजिट है अकबर से. तो वो क्या करते हैं, मुस्लिम्स को इम्प्रेस करने के लिए ये जो भी जिजुइट फादर्स होते हैं जो वहाँ पे होते हैं उनको वो निगलेक्ट कर देते हैं. लेकिन कुछ टाइम बाद फिर 1606 के साथ उनके रिलेशनशिप्स जो हैं जहांगीर के रिलेशनशिप्स इन ज्यूज़ के साथ वो रिलेशनशिप्स ठीक हो जाते हैं. जहांगीर्स कंडक्ट वॉज सच दैट द जिजुइट प्रीस्ट बिकेम होपफुल ऑफ ब्रिंगिंग हिम विद इन द क्रिश्चियन फोल्ड. अब जैसे कि वो पोर्चुगीज थे, क्रिश्चियनिटी बढ़ाना चाहते थे, अब फिर से उनको लगने लगता है कि हम जहांगीर को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लेंगे. लेकिन ऑब्वियसली उनकी ये जो इच्छा थी ये फिर से खराब हो जाती है. लेकिन इस वजह से उनके रिलेशनशिप ज़रूर बिगड़ जाते हैं मुगल एम्परर के साथ, क्योंकि यही उनके एरोगेंट, ये जो उनकी पॉलिसीज थी उनके एरोगेंट एक्शंस थे, तो इस वजह से आगे जाके इनके जो मुगल एम्परर के साथ जो रिलेशनशिप्स है, जो रिश्ते हैं वो बिगड़ जाते हैं. नाउ पोर्चुगीज लूज फेवर विद द मुगल्स. तो पहले हमने सारी अभी तक थोड़ा क्विक रिविजन कर लेते हैं. स्टार्टिंग में हमने देखा कि कैसे नया ट्रेड रूट ढूंढा जाता है. वास्को डिगामा आते हैं इंडिया में, दो बार आते हैं, कुछ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद हमने तीन गवर्नर्स के बारे में पढ़ा, एल्बुगर क्यू, एल्मीडा एंड नीनोडा कुन्हा. इन तीन गवर्नर्स के बारे में पढ़ा, इनकी पॉलिसीज देखी, कहाँ कहाँ इन्होंने एक्सपैंड किया, ठीक है, वो सारा कुछ देख लिया. उसके बाद हमने ये देखा कि पोर्चुगीज़ के लिए यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस क्या थी, वो हमने देखा. फिर हमने इनकी रिलीजियस पॉलिसी के बारे में देखा. अब हम देखेंगे पोर्चुगीज़ लूज फेवर विद द मुगल्स. कुछ चीज़ों तो हमने ऑलरेडी देख लिए कि किस वजह से इनकी मुगल्स के साथ जो है रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं. अब फिर से एक बार डिटेल में देख लेते हैं. पहला तो रीज़न यही है कि जब पोर्चुगीज़ यहाँ पे होते हैं तो उसी टाइम एक विलियम हॉकिंस थे, ब्रिटिश हैं, वो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और जहांगीर उनको कुछ ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, उनको भी परमिशन दे देते हैं कि आप यहाँ पे ट्रेड कर लो.
तो ये देख के पोर्चुगीज को बहुत ज्यादा ऑब्वियसली जब पोर्चुगीज आए थे तो अरब बाकी जो ट्रेडर्स थे जैसे अरब ट्रेडर्स थे उनको बुरा लगता है कि नए ट्रेडर्स क्यों आ गए। अब जब पोर्चुगीज यहाँ पे है तो जब इंग्लिश आते हैं यहाँ पे तो उनको जब ट्रेडिंग फैसिलिटीज मिल जाती है तो पोर्चुगीज जो है वो ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली नेगोशिएशन हो जाती है, लेकिन फिर भी एक पोर्चुगीज और मुस्लिम्स के बीच में जो ड्रिफ्ट है वो आ जाती है। तो पहला रीजन क्या है, ग्रांटिंग ऑफ ट्रेड फैसिलिटीज टू दी इंग्लिश। उसके अलावा इनकी जो पायरेसी जो है, एक्ट्स ऑफ पायरेसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, वो भी एक रीजन बन जाता है। उसके अलावा जो पोर्चुगीज है वो जहांगीर को ऑफेंड कर देते हैं, क्या करके, बाय कैप्चरिंग मुगल शिप्स। तो वो मुगल शिप्स को कैप्चर कर लेते हैं, कुछ मुस्लिम्स को इम्प्रिजन कर देते हैं एंड प्लंडरिंग द कार्गोज। हाउएवर इट वाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां दैट द एडवांटेजेस व्हिच द पोर्चुगीज एंजॉयड इन द मुगल कोर्ट वर लॉस्ट फॉर एवर। तो ये कुछ रीजन्स हैं इनके जो पायरेसी की एक्ट्स हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश को जब और ज्यादा ट्रेडिंग फैसिलिटीज मिलती है तब इनको बुरा लगता है। उसके अलावा जहांगीर की जो मुगल शिप्स है उसको ये कैप्चर कर लेते हैं, मुस्लिम्स को इम्प्रिजन कर लेते हैं, तो इस वजह से पोर्चुगीज और मुगल्स के जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ द पोर्चुगीज। तो बैटल ऑफ सुवाली होती है, या फिर हम इसको बैटल ऑफ सुवाली होल भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, कब होती है, 1612, किसके बीच में होती है, ब्रिटिश के बीच में और पोर्चुगीज के बीच में। और रिजल्ट क्या निकलता है, पोर्चुगीज से हाथ से जो सूरत है वो निकल जाता है। फिर होता है 1631 में, ये लोग क्या करते हैं, हुगली जो इनकी सेटलमेंट थी बंगाल में वो भी ये लूज कर देते हैं टू शाहजहां सन शाह शुजा, ठीक है। तो धीरे धीरे इनका जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर थे, सूरत चला गया, हुगली चला गया इनके हाथ से। उसके बाद 1661 में जो बॉम्बे था वो ये डाउरी में दे देते हैं। कब देते हैं, इनकी जो प्रिंसेस थी, पोर्चुगीज प्रिंसेस जिनका नाम आई गेस कैथरीन था, उनकी शादी होती है ब्रिटिश प्रिंस के साथ। तो जब ये शादी होती है तो पोर्चुगीज डाउरी में क्या है, बॉम्बे दे देते हैं इंग्लिश को इन द ईयर 1661। तो ऐसे करते करते उनके हाथ से सूरत निकल गया, हुगली निकल गया, बॉम्बे निकल गया, तो सिर्फ दीव दमन और गोवा जो है उनके पास रह जाता है और उनकी जो पार है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है और उनका डिक्लाइन जो है वो शुरू हो जाता है। द डिक्लाइन ऑफ द पोर्चुगीज वॉज ब्रॉट अबाउट बाई सेवरल फैक्टर्स। तो काफी रीजन्स हैं, पहले हमने कुछ देख ही लिए। उसके अलावा एमर्जेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज। तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जब ये आए थे तो उस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर्स नहीं थी, जिस वजह से इनके लिए इजी हो गया था यहाँ पे सेटल होना। बट अब क्योंकि धीरे धीरे पावरफुल जो डायनेस्टीज हैं वो एमर्ज हो जाती हैं, मराठास आ जाते हैं, उस वजह से इनका जो है तो इनको एक फियर्स कॉम्पिटिशन, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन मिलता है आगे से, जिसकी वजह से इनका जो है डिक्लाइन हो जाता है। सालसेट और जो बसीन है वो इनसे कौन कैप्चर कर लेता है, मराठास कैप्चर कर लेते हैं। उसके अलावा इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी है वो एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी उन्होंने पॉलिटिकल फियर्स राइज कर दिए थे, काफी लोगों को ये ऑफेंड कर देते थे, मुगल एम्परर को ऑफेंड कर दिया था इन्होंने, तो ये भी एक इनके डिक्लाइन का रीजन था, इनकी जो पॉलिसी ऑफ कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी थी उसकी वजह से। उसके अलावा डिसऑनेस्ट थे ये काफी ज्यादा, दे अर्नड नोटेरिटी एज अ सी पायरेट्स भी इनको बोला जाता था। इनकी एरोगेंस थी, इनकी जो वॉयलेंस एक्टिविटीज थी उसकी वजह से। और उसके अलावा डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील, तो इस टाइम पे जब ब्राज़ील डिस्कवर हो जाता है तो इनकी जो अटेंशन है, इनका जो ध्यान है वो इधर ब्राज़ील की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो जाता है, तो वो इंडिया में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका यहाँ पे डिक्लाइन हो जाता है। उसके अलावा पहले जो अर्लियर मोनोपोली ऑफ द नॉलेज ऑफ सी, हमने बोला है कि इनके पास जो टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, इन्होंने एक ट्रेड रूट फाइंड आउट किया, इनके शिप्स के ऊपर कैनन्स थे, तो ऐसी जो टेक्नोलॉजी थी या फिर उस टाइम पे नॉलेज थी सी रूट की, तो वो सिर्फ पोर्चुगीज के पास ही। बट धीरे धीरे ऑब्वियसली ये चीज़ एक सीक्रेट नहीं रही,
और एंड वेरी सून ये जो नॉलेज है डच को भी आ जाती है, नॉलेज इंग्लिश को भी आ जाती है, तो अब उनको ये सारी नॉलेज आ जाती है, तो वो भी यहाँ पे आ जाते हैं. और एक जो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, एक जो राइवलरी है, वो डिफरेंट यूरोपियन पावर्स के बीच में यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है. उसके अलावा इन दिस स्ट्रगल द पोर्चुगीज हैड टू गिव वे टू द मोर पावरफुल एंड एंटरप्राइजिंग कॉम्पिटिटर्स. सो इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स जैसे कि इंग्लिश है वो आ जाते हैं, जिस वजह से इनका डिक्लाइन हो जाता है. और उसके अलावा डच और इंग्लिश के पास जो रिसोर्सेज है वो पोर्चुगीज से ज़्यादा होते हैं. तो ये जो सारे रीजंस थे इसकी वजह से पोर्चुगीज का डिक्लाइन हो जाता है. अब ये लास्ट टॉपिक है, ये क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्चुगीज. तो कुछ सिग्निफिकेंस क्या था पोर्चुगीज के रूल का. पहला है एमर्जेंस ऑफ नेवल पावर. जैसे कि हमने पहले देखा कि इनसे पहले किसी की भी और रूलर की एक स्ट्रॉन्ग नेवल स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी नहीं थी. तो ये पहले थे एक नेवल पावर जो थी उसकी एमर्जेंस होती है इस टाइम पे. और ये पहली बार थी कि कोई फॉरेन पावर इंडिया में कैसे आया था, बाय वे ऑफ सी. उसके अलावा मिलिट्री इनोवेशन इनके नाम पे है. इनके जो असले वगैरह थे, बॉडी आर्मर्स, मैच लॉक मैन, गन्स वगैरह जो थे, इनकी जो मिलिट्री इनोवेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, अनमैचेबल थी बाकियों के साथ. देवर मास्टर्स ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्निक्स एट सी. इनकी टेक्निक्स काफ़ी अच्छी थी. मल्टी डेकेड शिप्स थी इनके पास विच वर हैवीली कंस्ट्रक्टेड. दिस परमिटेड देम टू हैवी कैरी अ हैवियर आर्मामेंट. तो इनकी जो शिप्स थी वो बहुत बड़ी बड़ी होती थी, तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा असला जो है, गन्स वगैरह सब कुछ कैरी कर पाते थे. हाउ एवर द पोर्चुगीज स्किल एट ऑर्गेनाइजेशन, हमने पहले भी देखा जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, इनकी जो यूनिटी थी वो अनमैचेबल थी, वो इनका एक सिग्निफिकेंस था. उसके अलावा कल्चरल फील्ड में भी जैसे हमने पहले देखा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया. However, it cannot be forgotten about the missionaries and the church were also teachers and patrons in India. अब हमने देखा कि इनके जो प्रीस्ट थे वो फोर्सिबल कन्वर्जन्स में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व थे, लेकिन उसके अलावा दे ऑल्सो वर्कड एज अ मिशनरीज एंड टीचर्स इन द चर्च एंड पैटर्न्स इन इंडिया इन द आर्ट्स ऑफ पेंटर, कावर एंड स्कल्प्टर. तो इन सब में भी वो इन्वॉल्व थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट था. म्यूजिक में भी अगर देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया. द आर्ट ऑफ सिल्वर स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ फ्लरिश्ड इन गोवा एंड प्लेस बिकेम अ सेंटर ऑफ इलेबोरेट filigree work, fretted foliage work and metal work embedding jewels. तो ये जो काफ़ी एक गोल्ड स्मिथ वाले जो काम है, सिल्वर स्मिथ वाले जो काम है यहाँ पे, वो प्रिवेलेंट हो गए थे. और गोवा जो है एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया था इन सारी चीज़ों का. तो ये जो थारा क्या था, ये पोर्चुगीज के जो रूल का सिग्निफिकेंस था. तो हमने इनकी एडमिनिस्ट्रेशन देख ली, इनके लिए जो फेवरेबल कंडीशंस थी वो हमने देख ली, कैसे इनमें और मुगल्स के बीच में इनके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, जिसके बाद इनका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है. इनके डिक्लाइन के रीजंस क्या थे, इनके जो रूल है उसका सिग्निफिकेंस क्या था, इम्पोर्टेंस क्या था, वो सारा हमने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ लिया. नाउ वी विल सी सम ऑफ द sample MCQs. So first is Bombay was acquired by the English from the Portuguese in the year. ये हमने देखा था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. तो बॉम्बे कब एक्वायर हुआ था, 1661 में जो है बॉम्बे कैसे गया था इंग्लिश के पास, एज अ डाउरी दिया था पोर्चुगीज ने इंग्लिश को इन द ईयर 1661. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फ्रांसिस्को डी अल्मीडा. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रियली सिंपल. सो ही वॉज द पोर्चुगीज वाइस रॉय इन इंडिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है. द पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499. The English opened their first factory in South India at Masulipatnam. In Eastern India, the English company opened its first factory in Odisha in 1633. Under the leadership of Dupleix, the French occupied Madras in 1746. So I agree, अभी हमने English और French के बारे में पढ़ा नहीं है, लेकिन जो first statement है Portuguese के बारे में, तो यहाँ पे जो इन्होंने ईयर लिखा है वो है 1499. वेरस जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको क्लियरली 3-4 बार रिपीट किया था कि ये जो पोर्चुगीज है वो गोवा एक्वायर करते हैं 1510 में,
किससे एक्वायर करते हैं, सुल्तान ऑफ बीजापुर से। तो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो द आंसर इज ए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर द डच। सो दिस वाज ऑल अबाउट टिल नाउ। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।